वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एनिमल फिजियोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जिसमें हम लोकोमोशनल मूवमेंट के ऊपर बात करेंगे। सो इसमें जो एमसीक्यूज हैं, दे आर बेस्ड ऑन द स्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन, टाइप ऑफ मसल्स एंड वेरियस टाइप ऑफ इवेंट अकरिंग इन दीज प्रोसेसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एन एक्रोमियन प्रोसेस इज करैक्टरिस्टिकली फाउंड इन। एक्रोनियल एक प्रोसेस होता है, किस बोन में मिलता है? पेक्टोरल गर्डल ऑफ मैमल, जिसमें मैमल के पेक्टोरल गर्डल यानी अपर लिम्स के साथ जो अटैचमेंट करा था उसमें मिलता है, ऑप्शन सी। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, ऑप्शन डी है ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ये होता है जाइगो हाइपोफाइसिस में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज द सम वर्टिब्रे इन वर्ड्स फ्यूज टू फॉर्म। पक्षियों में कुछ जो मनके होते हैं, रीढ़ की हड्डी के, फ्यूज़ हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? सिनसैक्रम, ऑप्शन बी। सिनसैक्रम सिर्फ बर्ड्स में मिलता है, ऑप्शन डी। नी ज्वाइंट क्या है? सिनोबियल ज्वाइंट, जिसको हिंज, सिनोबियल ज्वाइंट है और कॉमन इसको हिंज ज्वाइंट भी कहते हैं। क्वेश्चन फाइव, इफ़ ए मसल अंडरगो रैपिड कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सटेंशन को क्या चाहिए? रिक्वायर कॉन्स्टेंट प्लगिंग इन एंड आउट ऑफ कैल्शियम, ऑप्शन ए। सिक्स, डायग्राम दिया हुआ है आपके बोन्स का और ये लेफ्ट ह्यूमन हाइंड लिम्ब की है और इट हैज़ सर्टेन मिस्टेक इन लेबलिंग, तो इसमें कौन सी गलतियां हैं? हाइंड लिम्ब की बात किया है इसमें जो है फिबूला एंड फ्लैंजेस। फिबूला जो है वो लोअर पार्ट आएगा जहाँ टिबिया लिखा है, टिबिया के नीचे आएगा फिबूला, ठीक है। और फ्लैंजेस, फ्लैंजेस गलत लिखे हैं जहाँ मेटाटार्सिस वगैरह आते हैं, तो ऑप्शन सी। सेवन, मसल फटीग किस वजह से होती है? लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी। क्वेश्चन ए, लंबर वर्टिब्रे इन ह्यूमन स्केलेटन क्या है, कितने हैं? फाइव, ऑप्शन ए। लैक्टिक एसिड डिपोजिशन से क्या हो जाता है? मसल फटीग, ऑप्शन सी। क्वेश्चन टेन, मसल विच बेंड द ज्वाइंट आर कॉल्ड, जो जॉइंट को मसल्स बैंड करते हैं उसको कहते हैं फ्लेक्सर, ऑप्शन ए। एलेवन, द मसल बैंड विच रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ मसल कंट्रैक्शन, ए बैंड, जिस स्केलेटल मसल में मिलता है, ऑप्शन सी। ट्वेल्व, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ स्केलेटल मसल इन्वॉल्विंग एटीपीएस एक्टिविटी, कौन सी प्रोटीन रोल प्ले करती है जिसमें एटीपीएस का काम है? ऑप्शन बी, मायोसिन। थर्टीन, ए क्रिकेट प्लेयर इज फास्ट चेजिंग ए बॉल ऑन फील्ड, विच वन ऑफ फॉलोइंग ग्रुप ऑफ बोन आर डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग इन दिस मोमेंट, तो वह क्या कर रहा है? बॉल का पीछा कर रहा है फील्डर, तो कौन से मसल्स हैं और बोन्स वगैरह हैं? टार्सल, फीमर, मेटाटार्सल, पीबिया, तो हाइंड लिम्ब, लोअर लेग के जो सारे पार्ट प्ले करेंगे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन फोर्टीन, लार्जेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी है? ग्लूटस, ऑप्शन बी। 15, आर्टिकुलेशन ऑफ फीमर विद पेल्विक गर्डल, क्या एग्जांपल है ये? वॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ऑप्शन बी। 16, लोअर या ऑफ मैन इज फॉर्म्ड ऑफ, लोअर जो हमारा निचला जबाड़ा होता है वो सिर्फ एक हड्डी का बना होता है, वन बोन, ऑप्शन ए। फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल का क्या है? फैसिकुलाई, ऑप्शन ए। 18 में आपने डायग्राम की लेबलिंग देखी हुई है, तो इसमें आपने बताना है ए बी सी डी ई क्या है। ए है प्यूबिस, बी है फीमर, सी है टिबिया, इलियम, सैक्रम, ऑप्शन ई। 19, नंबर ऑफ वर्टिब्रे प्रेजेंट इन सर्विकल थोरेसिक लंबर एंड सैक्लन कोकस, हमारे कितने होते हैं? 7, 12, 5, 1, 1, ऑप्शन डी। 12, इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ फॉलोइंग इज एनाटॉमिकली करेक्ट, फ्लोटिंग रिब दो पेयर होते हैं, ऑप्शन बी, ये सही है। 21, विच ऑफ फॉलोइंग इज स्कल बोन, स्कल की बोन क्या है? पैट्रिक वाइड, ऑप्शन डी। एटीपीएस एंजाइम नीडेड फॉर मसल कंट्रैक्शन कहाँ होता है? मायोसिन में, ऑप्शन सी। 23, द फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर आर्म, उसको क्या कहते हैं? पोलेक्स, पहली जो डिजिट होता है। 24, स्पॉन्जी और कैनलेशियस बोन किसमें है? वर्टिब्रे, ऑप्शन बी। 25, ग्लीनॉइड कैविटी किसमें मिलती है? पेक्टोरल गर्डल, ऑप्शन बी। बोन बिकम फ्रगाइल किसमें? कौन से? ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन ए।
एक्रोमियल प्रोसेस किसमें मिलती है? पेक्टोरल गर्डल ऑफ मैमल, ऑप्शन सी, ये पहले कर चुके हैं। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन जाइगोफाइसिस ऑफ वर्टिब्रे, ऑप्शन बी डी। सिनसैक्रम जो फॉल का है इसमें कितने वर्टिब्रे होते हैं? 16, ऑप्शन सी। ए सियामोइड, सियामोइड बोन कहाँ मिलती है? पटेला, ऑप्शन सी। 31, ग्लोबुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल विच मास्क द एक्टिव साइट ऑफ एक्टेक्टिन, वो है ट्रोपोमायसिन, ऑप्शन बी। 32, करेक्ट ऑर्डर नंबर ऑफ बोन इन पार्ट ऑफ स्कल जैसे क्रेनियम, फेशियल बोन, हायर्ड बोन एंड मिडल ईयर बोन कितनी है? 8, 14, 1, 3। हायर्ड बोन सिर्फ सिंगल होती है, ठीक है। स्टेटमेंट दी हुई हैं 33 में, 5 स्टेटमेंट हैं, इसमें करेक्ट बतानी है और गलत कौन सी है। ए बी डी करेक्ट है, सी ई गलत है। ए में है ए बैंड ऑफ मसल फाइबर आर डार्क कंटेन मायोसिन, बी है आई बैंड ऑफ मसल लाइट है और कंटेन एक्टिन, डी में है आपका पार्ट बिटवीन टू जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमियर, ये सही है। ड्यूरिंग द मसल कंट्रैक्शन ए बैंड कंट्रैक्ट, ऑप्शन सी जी गलत है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट कैनॉट ओवरलैप बाय थिक फिलामेंट इन एच जोन, ये भी गलत है, तो इसका सही ऑप्शन बनता है ई। 34, इसमें स्टेट्समैन दी हुई है, इसमें करेक्ट कौन सी है? ओनली सी। ऑस्टियोपोरोसिस इज करेक्टराइज बाय माइक्रो आर्टिकुलेचर डेटोरिएशन ऑफ द बोन, ऑप्शन सी। 35, एकोलियस वर्टिब्रा ऑफ फ्रॉग क्या है इसमें? नॉन ऑफ दीज, ऑप्शन डी। 36, नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन स्कल कितनी है? 29, ऑप्शन डी। हिंज जॉइंट कहाँ होता है? ह्यूमरस एंड अल्ना में। आगे 38, सेलेक्ट द सीसमोइड बोन, सीसमोइड बोन कहाँ होती है? पटेला, ऑप्शन ए। काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट है। अकोमोलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द मसल कोज फटीग, लैक्टिक एसिड, ऑप्शन डी। वट कनेक्ट द मसल टू बोन, टेंडन, ऑप्शन सी। 41, द बेसिक यूनिट ऑफ वर्टीब्रे किडनी ऑलरेडी कर चुके हैं, नेफ्रॉन, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम गिव इट्स करेक्ट टोटल नंबर, टोटल नंबर क्या है? फ्लोटिंग रिबन ह्यूमन 4 होती हैं, ऑप्शन सी यानी 2 पेयर। 43, ड्यूरिंग द स्ट्रीनस एक्सरसाइज ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड, ऑप्शन डी। 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर मसल कंट्रैक्शन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ऑप्शन सी ए एंड बी आएगा। 45, नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन स्कल 29। 46, इन द थिन फिलामेंट ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर ए स्मॉल ग्लोबुलर प्रोटीन डैट मास्क द एक्टिव साइट ऑन एफ एक्टिन, कौन सी एक्टिव साइट को एक्टिव करती है? ट्रोपोनिन, ऑप्शन डी। 47, में लेबलिंग बतानी है, ए में है इलियम, बी में एसाटिबुलम, सी में है प्यूबिस, डी में है ईशियम, ई में है प्यूबिक सिम्फाइसिस। 48, नंबर ऑफ द सर्विकल वर्टिब्रे इन मैमल, 7 होते हैं गर्दन के मन के, ए आएगा। 49, जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, पिवट जॉइंट, ऑप्शन बी। एल्बो जॉइंट किसकी एग्जांपल है? हिंज जॉइंट, ऑप्शन बी। 51, में आपने बताना है सही मैचिंग, तो इसमें जो बी है वो 3 बोन है पेल्विस की, इलियम, ईशियम, प्यूबिस। आगे 52, इसमें करेक्ट बताना है, बता चुके हैं। 53, में विच कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द जॉइंट ऑफ लॉन्ग बोन? हेलाइन कार्टिलेज, ऑप्शन सी। इनोमिनेट क्या है? पार्ट ऑफ स्केलेटन एंड एन आर्टरी, ऑप्शन डी। 55, थोरेसिक केज इन रैबिट किसका बना है? रिब का, वर्टिब्रल कॉलम एंड स्टर्नम, ऑप्शन डी। 56, जो सेंट्रम है ऑफ 8th वर्टिब्रा फ्रॉग क्या है? एम्फीसीलोसस, ऑप्शन सी। 57, एक्सिस वर्टिब्रा इज आइडेंटिफाई, अब आपके पास एक्सिस वर्टिब्रा कैसे आइडेंटिफाई करोगे? उसमें होती है ओडोंटोइड प्रोसेस, ऑप्शन सी। 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्टेन पार्ट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटन? ए सही है, पैराइटल बोन एंड टेम्पोरल बोन ऑफ स्कल आर ज्वाइंट बाय फाइब्रस ज्वाइंट, ऑप्शन ए।
59 द पेक्टोरल गर्डल में क्या होता है? स्कैपुला एंड क्लेविकल। ऑप्शन बी ए 59 का ए। 60 एंड प्लेट जंक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन, किसमें होता है? न्यूरॉन एंड स्ट्राइएटेड मसल्स, जहाँ मसल न्यूरॉन से जुड़ता है एंड प्लेट बनती है। ऑप्शन ए। 61 एसिटाबुलम किसमें है? पेल्वी गर्डल ऑफ रैबिट में। ऑप्शन ए। ओपनिंग ऑफ स्कल ऑफ रैबिट, ऑप्शन 62 का क्या आएगा? उसको कहते हैं फोरामन मैग्नम, नीचे जहाँ स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। 63 मेम्ब्रेनस एरिया बिटवीन क्रेनियल बोन ऑफ फीटस स्कल, उसको कहते हैं फोनटेले। ऑप्शन डी। 64 एग्जाम्पल ऑफ पिवट जॉइंट, रेडियो अलनल जॉइंट। ऑप्शन डी। 65 द मेजर फंक्शन ऑफ इंटर वर्टिब्रल डिस्क, वो क्या करती है? शॉक ऑब्जॉर्व करती है। ऑप्शन ए। 66 में स्टेटमेंट्स दी हैं मसल प्रोटीन की, इसमें आपने बताना है कि कौन सी करेक्ट है। इसमें पहली और तीसरी सही है। एक्टिन इज़ ए थिन फिलामेंट एंड मेड ऑफ एफ एक्टिन, ये सही है। थर्ड में मायोसिन इज़ अ थिक फिलामेंट जो पोलामराइज प्रोटीन है, ये सही है। 67 विच रिब हैव द बकल हैंडल टाइप ऑफ मूवमेंट, ये होती है रिब नंबर 6 to 10। ऑप्शन सी। 68 इन द रेस्टिंग मसल फाइबर ट्रोपोमायोसिन पार्शली कवर, क्या कवर करती है? मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन। ऑप्शन सी। 69 ह्यूमन बीइंग में जो क्रेनियम है किसकी बनती है? एट बोन की बनती है, विच टू आर पेयर, इसमें दो जोड़ों में होती है और बाकी सिंगल्स। और आगे 70 एक्टिन बाइंडिंग साइट आर लोकेटेड इन मीरोमायसिन। ऑप्शन सी। स्कैपुला इज लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड इन डोर्सल पार्ट ऑफ थोरेक्स बिटवीन सेकेंड एंड सेवंथ रिब। ऑप्शन बी। कॉक्सल ऑफ पेल्विक गर्डल इज फॉर्म्ड बाई फ्यूजन ऑफ इलियम ईशियम प्यूबिस। ऑप्शन ए। 73 विच ऑफ स्टेटमेंट अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन कंट्रैक्ट, सही कौन सी है मसल कंट्रैक्शन की स्टेटमेंट? ए एंड डी। एसिटाकोलीन इज रिलीज व्हेन द न्यूरल सिग्नल रीचेस द मोटर एंड प्लेट। और डी में रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल्स कैन लीड टू अकमोलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ये सही है, इसका ऑप्शन आएगा ए। 74 में करेक्ट स्टेटमेंट है स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मसल कंट्रैक्शन में, इसमें बी है ऑस्टियोपोरोसिस, डिक्रीज इन बोन मास एंड हायर चांसेस ऑफ फ्रैक्चर विद एज। 75 ड्यूरिंग द मसल कंट्रैक्शन विच यू फॉलोइंग इवेंट अकर, क्या होता है? फर्स्ट होती है इसमें एच जोन डिसअपियर, थर्ड होती है सेकेंड इवेंट होती है आई इवेंट रियूज इन बिर्थ, फिर होती है बिर्थ ऑफ ए इवेंट अनफेक्टेड, और एम लाइन एंड जेड लाइन कम क्लोजर, तो इसका आएगा ए। 76 सिम्फाइसिस क्या है? फाइब्रस कार्टिलेज। ऑप्शन बी। गोट इज ए कॉज ड्यू टू कम्युलेशन ऑफ यूरिक एसिड। ऑप्शन बी। ह्यूमन वर्टिब्रा क्या है? एक्लियोसस। 78 का बी। ह्यूमन वर्टिब्रा कॉलम 33 वर्टिब्रे का है और इसमें हड्डियाँ कितनी होती हैं? 26। ऑप्शन बी। 80 द इम्पोर्टेंट मसल प्रोटीन डेट हेल्प इन मूवमेंट, कौन सी हैं? एक्टिन एंड मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, ये सारी है। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन बताना है नॉर्मल ह्यूमन में। सी एंड डी जो हैं इसमें गलत है। सी में पैटेला इज कप शेप बोन कवरिंग द नी, एंड डी क्या है? सक्यूला इज़ द लार्ज ट्रेंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड ऑन वर्टिब्रल साइज ऑफ द थोरेक्स, ये भी गलत है। 82 डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन क्या कारण होता है? ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है वोमन में बेसिकली। ऑप्शन सी। 83 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लोकोमोशन इन ह्यूमन, अकोमोलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन जॉइंट कोज देयर इंफ्लामेशन। ऑप्शन बी। 84 में आपने बताना है एग्जाम्पल ऑफ सिनोवियल जॉइंट, तो इसमें है फ्लूड फिल्ड सिनोवियल कैविटी बिटवीन टू बोन एंड जॉइंट बिटवीन एक्सिस एंड एटलस। आगे देखिए जो करेक्टरिस्टिक्स है सिनोवियल जॉइंट का, और ये बेसिकली नी में होता है, ये आपने याद कर लेना है। 85 में स्टिमुलेशन ऑफ द मसल फाइबर बाय मोटर न्यूरॉन कहाँ होती है? न्यूरोमसल जंक्शन। ऑप्शन सी में। 86 में
करेक्ट मैचिंग बताना है, ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ होता है बिटवीन कार्पल। बी 87 स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करोगे, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन बट रैदर स्लाइड ईच अदर। ऑप्शन सी ग्लीनॉइड कैविटी आर्टिकुलेट क्लेविकल एंड सेक्यूला। ऑप्शन सी 89 विच ऑफ फॉलोइंग जॉइंट वुड अलो नो मूवमेंट। ए फाइबरस जॉइंट। ए 90 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम प्रोडक्शन ऑफ हीट। ऑप्शन सी 91 डेपोजिशन ऑफ एनी जॉइंट कोज कोड यूरिक एसिड। ऑप्शन बी ग्लाइडिंग जॉइंट जो प्रेजेंट किसमें है कार्पल्स। ऑप्शन ए ल्यूम्बर रीजन ऑफ वर्टीब्रल कॉलम इज इन मैन मेड ऑफ 5 वर्टीब्रे। ऑप्शन डी 94 नेम द आइन रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन फॉर क्रॉस विज एक्टिविटी ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन कैल्शियम। बी ऑप्शन ऑस्टियोपोरोसिस एंड एज रिलेटेड डिजीज ऑफ स्केलेटल सिस्टम में अकर ड्यू टू डिक्रीज इन लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। ऑप्शन डी 96 लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इन सस्टेन मसल कंट्रैक्शन क्या हो जाता है उसमें टैटनस। ऑप्शन डी 97 पिवट जॉइंट बिटवीन एक्सिस एंड एटलस किसकी टाइप है सिनोवियल जॉइंट। ऑप्शन सी 98 में आउट ऑफ एक्स पेयर ऑफ रिब इन ह्यूमन बॉडी बाई पेयर आर ट्रू कितनी एक्स मतलब 12 पेयर में 7 पेयर जो है ट्रू के हैं। ट्रू रिब अटैच डोर्सली टू वर्टिब्रल और इंटरली टू स्टर्नम ये इसकी निशानी है। आगे है 99 में विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन सिग्निफिकेंट रोल इन एस्टोपोरोसिस एस्ट्रोजन एंड पैराथायरॉइड ये दोनों कैल्शियम कंट्रोल करते हैं। ऑप्शन ए कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट फॉर मसल कंट्रैक्शन बिकॉज 100 का सी आएगा वाइन टू ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट टू एक्टिन फॉर मायोसिन। 101 विच ऑफ द फॉलोइंग मसल डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड मसल डिस्ट्रॉफी। ऑप्शन बी 102 करेक्ट ऑप्शन डी है। देयर आर 7 पेयर ऑफ वर्टीब्रो स्टर्नल 3 पेयर ऑफ वर्टीब्रो कॉन्ड्रल एंड 2 पेयर ऑफ वर्टीब्रल रिब। 103 में आपने बताना है मैचिंग फर्स्ट फ्लोटिंग रिब फोर्थ डू नॉट कनेक्ट विद स्टर्नम सेकेंड एक्रोमिन क्लेविकल के साथ है सेपक्यूला लोकेटेड बिटवीन सेकेंड एंड सेवंथ रिब और फोर्थ ग्लीनॉइड कैविटी हेड ऑफ ह्यूमरस ये आएगा डी। और लास्ट क्वेश्चन में मैचिंग है गॉट ये आएगा 3 कम्युलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल सेकेंड ऑस्टियोपोरोसिस डिक्रीज इन लेवल ऑफ एस्ट्रोजन पहला टैटनी लो कैल्शियम आयन इन ब्लड दूसरा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पांचवा जेनेटिक डिसऑर्डर। सो कैसा वीडियो लगा जरूर कमेंट करिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे और वीडियो अच्छा लगा हो तो सुपर चैट सुपर स्टिकर सेंड करिए बेल आइकन प्रेस करिए सब्सक्राइब बटन प्रेस करिए अगर तक नहीं प्रेस किया ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर लाइक कमेंट करिए ताकि और अच्छे कंटेंट आपको मिले। सो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक एनिमल फिजियोलॉजी का करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपको न्यूरल कंट्रोल के ऊपर MCQs प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम।